idea neat aspirants, I, Dr. Garima Singh Khan, your biology mentor, welcomes you to Prades Institute of Education. So, mere bachcho, you already know hum kahan hain. Hum hain humare neat ke channel pe. So, this is Prades Education Neat and I welcome you all. So, yahan par hum kya kar rahe hain? यहाँ पर कर रहे हैं बेटा हम नीट 2024 की प्रिपरेशन. मेरे साथ आप कर रहे हो नीट बॉटनी नीट जूलॉजी की तैयारी, क्योंकि हम करना चाहते हैं तैयारी आपकी जीत की, उसमें हम आपका साथ निभा रहे हैं और हम साथ कर रहे हैं तैयारी नीट की. तो चलो तैयारी नीट की स्टार्ट करते हुए आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये है हमारा नीट जूलॉजी का चैप्टर विच इज एनिमल किंगडम. और आज हम एनिमल किंगडम में स्टार्ट करेंगे विद आर फाइलम्स. आज हम तीन फाइलम पढ़ेंगे बच्चों, एक है पोरिफेरा, दूसरा है सीलेंट्रेटा और तीसरा है टीनोफोरा. तो हम तीन फाइलम्स में आज डिस्कस करेंगे. तो ऐसे ही छोटा छोटा करके हम इस टॉपिक को हमारे कंप्लीट करने वाले हैं, इस चैप्टर को. अब बिफोर वी बिगिन विद एनीथिंग, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एनिमल किंगडम क्या है, कैसा है, क्यों है, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है. और उससे भी पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम हैं क्या एग्जैक्टली. तो प्रादिस अपने आप में बेटा एक बहुत रिनाउंड ग्लोबली ई लर्निंग एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है. तो ये एक एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड और iOS मार्केट दोनों जगह पे आपको अवेलेबल मिलेगा. हम यहाँ पर कराते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपके पूरे स्कूल सिलेबस की प्रिपरेशन. तो हम केटर करते हैं स्टूडेंट्स ऑफ CBSE, ICSE एंड IB बोर्ड ऑल अक्रॉस द ग्लोब. एंड हम जो क्लासेस इंडिया में केटर कर रहे हैं इसमें हम पढ़ा रहे हैं क्लासेस KG टू क्लास 12th और कन्फर्म कर रहे हैं करिकुलम फॉर CBSE एज वेल एज ICSE. अब रही बात ये कि मैम किस कॉस्ट पे, तो बेटा एक बहुत बहुत बेसिक सा प्राइस है हमारा 30,000 हमारा ईयरली पैकेज है, विच इज़ अ वेरी मिनिमल कॉस्ट. बट उसमें भी क्योंकि फिलहाल ऑफर चल रहा है और आप कूपन कोड अगर यूज़ करते हो दैट इज प्राडिस अंडरस्कोर 2025 तो आपको यही पैकेज मिल जाएगा एट एन ईयरली प्राइस ऑफ 8,999. यस यू हर्ड मी राइट, यू गेट द एंटायर ईयरली पैकेज एट सिंपली 8,999, जो कि आप जानते हो कि एक बहुत पॉकेट फ्रेंडली रेट है. क्या मिलेगा मैम इसमें? इसमें मिलेंगे बेटा आपको लाइव लेक्चर्स जो कम्प्लीटली इंटरैक्टिव होंगे, प्लस आपको 3D वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, रीसेंट लाइव वीडियोस, अगर कोई क्लास में सो जाए लाइव क्लास तो आप वो एक्सेस कर सकते हो. प्लस आपको मिलेगा पूरा पूरा कॉन्टेंट फ्री, सारी बुक्स के सोल्यूशंस, सारी प्रैक्टिस शीट्स, वर्कशीट्स एंड पर्सनलाइज डाउट सेशंस ऑल्सो. जो मेरे नीट के बच्चे हैं वो भी बिल्कुल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको फ्री सोल्यूशन, प्रैक्टिस शीट्स, वर्कशीट्स और सारी की सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल मिल जाएंगी. अगर आप चाहते हो बेटा कि नहीं मैम पर्सनली मुझ पर ध्यान दीजिए, प्लीज़ मुझे बताइए मेरी पढ़ाई सही चल रही है या नहीं, क्या मैं करेक्ट डायरेक्शन में हूँ, मैं मोटिवेशन लैक अगर कर रहा हूँ तो मुझे आपकी असिस्टेंस चाहिए, तो आप भी हमारा पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. ठीक है, उसमें आप भी हमसे वन ऑन वन कनेक्ट कर पाओगे. आप देखो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर विच इज एनिमल किंगडम लेक्चर नंबर 2. अब इसमें हम जो पहली चीज़ पढ़ने वाले हैं दिस इज फाइलम 1 पोरिफेरा. पोरिफेरा क्या होते हैं बेटा? पोरिफेरा वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में होते हैं बहुत सारे पोर्स. तो एनिमल्स विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पोर्स इन देयर बॉडी, इन्हें हम स्पॉन्जेस या फिर पोरिफेरेंस कहते हैं. तो आपको इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स देखेंगे बेटा, कॉमनली इनको स्पॉन्जेस कहा जाता है. ये सारे के सारे यूजुअली मराइन होते हैं और एसिमेट्रिकल होते हैं, ये बात हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. कैसे हैं ये? एकदम पुराने जमाने के प्रिमिटिव टाइप के मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं और सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. इनकी बॉडी में आपको टिश्यूज नहीं दिखेंगे, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम कुछ नहीं दिखेगा, तो सेल के बस लूज एग्रीगेट्स दिखने वाले हैं. इनके पास आप देखोगे तो ये सारे पोर्स ने ना आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करके एक पूरा का पूरा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि वाटर कैनाल सिस्टम बना के रखा है. तो ये इनकी खूबी है कि इनके पास आपको वाटर कैनाल सिस्टम मिलेगा. इस वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू वाटर अंदर एंटर करता है छोटे छोटे पोर्स की हेल्प से. इन पोर्स को हम ऑस्टिया कहते हैं और अपने साथ आने के बाद अंदर बॉडी की वॉल से होता हुआ एक सेंट्रल कैविटी में जाता है. तो सारे पोर्स से एंटर हुआ है, एंटर होने के बाद सेंट्रल कैविटी में जाएगा. ये जो सेंट्रल कैविटी है इसको हम बुलाते हैं बेटा स्पॉन्जोसील, इसको हम बुलाते हैं स्पॉन्जोसील. और यहाँ से ये निकल के फिर एक बड़ी सी ओपनिंग के थ्रू बाहर जाएगा. तो यहाँ ओवरऑल पूरी बॉडी में बहुत माइन्यूट ओपनिंग्स हैं, ऊपर एक बड़ी सी ओपनिंग है जिसे हम कहते हैं ऑपरक्यूलम, या इसे हम कहते हैं बेटा ऑस्क्यूलम. इस ऑस्क्यूलम के थ्रू चीज़ें बाहर निकल जाती हैं. तो हमने क्या देखा कि वाटर एंटर कर रहा है माइन्यूट पोर से, इन सारे पोर्स को हम ऑस्टिया बुला रहे हैं. वाटर एंटर कर रहा है सेंट्रल बॉडी कैविटी में से स्पॉन्जोसील कहते हैं. स्पॉन्जोसील के ऊपर एक बड़ी सी ओपनिंग है ऑस्क्यूलम नाम की, यहाँ से मटीरियल बाहर, वाटर बाहर निकल जाता है. ये जो पाथवे है ये हेल्पफुल रहता है क्योंकि इसी की हेल्प से आजू बाजू के वाटर में जो भी फूड होगा स्पॉन्जेस उसे गैदर करेंगे, प्लस यहीं से रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होगा और जितना भी वेस्ट है उसको रिमूव किया जाएगा, जितना भी वेस्ट है उसे रिमूव किया जाएगा. तो सब कुछ इनमें इनके वाटर कैनाल सिस्टम की हेल्प से हो रहा है, राइट फ्रॉम रेस्पिरेशन टू
कैप्चरिंग द फूड दैट इज इंजेस्टिंग द फूड एज वेल एज रिमूविंग द वेस्ट मटीरियल आउट दैट इज एक्सक्रीशन ऑल्सो. तो एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम सब कुछ चीज़ों का ध्यान दे रहा है, लाइक इट्स टेकिंग केयर ऑफ एवरी थिंग इन साइड द पोरिफेरेंस बॉडी. अब मैं इनकी बात करूँगी ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पर सेंटर में एक कैविटी थी स्पॉन्जोसील नाम की. इस स्पॉन्जोसील को बच्चा कुछ स्पेशल सेल्स लाइन करके रखते हैं. ये जो स्पेशल सेल्स होते हैं जो सेंट्रल कैविटी को लाइन अप करते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्वायनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स. अगेन एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्वायनोसाइट्स या कॉलर सेल्स आपको कहाँ मिलेंगे. तो आपको ये मिलेंगे स्पॉन्जेस यानी पोरिफेरेंस में. किस जगह पे एग्जैक्टली? स्पॉन्जोसील जो इनकी सेंट्रल कैविटी थी उसको लाइन करते हुए आपको ये मिलने वाले हैं. तो ये स्पॉन्जोसील को सारे के सारे कैनाल्स को लाइन करेंगे, इन्हें हम कहते हैं क्वायनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स. इनकी अगर हम बात करेंगे बेटा, तो नेक्स्ट चीज़ हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट चीज़ हम ये देखेंगे कि इनमें जो डाइजेशन होता है इनमें होता है इंट्रा सेल्यूलर. मतलब डाइजेशन होता है सेल के बाहर. तो आप डाइजेशन सेल के बाहर देखोगे, मतलब इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन देखोगे. बॉडी में इनकी आपको देखने को मिलेगा एक स्पेशल टाइप का स्केलेटन, स्पेशल टाइप का स्केलेटन जो बना होगा स्पॉन्जिन फाइबर से. तो स्पॉन्जिन फाइबर से बना हुआ क्या देख पाओगे आप? स्केलेटन देख पाओगे. तो बॉडी को सपोर्ट करके रखते हैं ये स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर से बना हुआ स्केलेटल सिस्टम. सेक्सेस इनकी बॉडी में आप देखोगे तो मेल और फीमेल सेम बॉडी में प्रेजेंट है. इस कंडीशन को हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट. तो जैसे प्लांट में हम बात कर रहे थे मोनोशिस, वैसे ही हम यहाँ बात कर रहे हैं हर्माफ्रोडाइट की. तो जब भी आपको एग्स और स्पर्म एक सिंगल इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता दिखाएगा तो आप उसको कहोगे हर्माफ्रोडाइट एनिमल, क्योंकि वहाँ पर सेक्सेस सेपरेट नहीं होंगे. विद इन द सेम बॉडी विल बी हैविंग बोथ मेल एज वेल एज फीमेल गैमेट बीइंग प्रोड्यूस्ड. अब इनमें हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे ना अगेन, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं फ्रैगमेंटेशन की हेल्प से. फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? व्हेन द बॉडी अपॉन मैचुरेशन इज ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस एंड देन द एंटायर पीस गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म, उसी चीज़ को हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन. तो अगर अपनी बॉडी को बड़ा होने के बाद छोटे पीसेस में ये ब्रेक कर पा रहे हैं और फिर उन छोटे छोटे पीसेस से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करा पा रहे हैं, तो इस चीज़ को हम कहेंगे फ्रैगमेंटेशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूँगी तो अगेन एक्सेल और स्पर्म सेल्स मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, इनकी हेल्प से इनके फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ देयर गैमेट्स एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्रैगमेंटेशन मैं पोरिफेरेंस में अप्रिशिएट कर पाऊंगी. अब रही बात कि ये फ्यूज कहाँ होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होगा, तो आप देखोगे कि जो फर्टिलाइजेशन होने वाला है वो होने वाला है बेटा इंटरनल, और जो डेवलपमेंट होगा वो होगा डायरेक्ट. इन दोनों चीज़ों का क्या मतलब है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल मतलब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर. तो आप एक ही बॉडी है मेल फीमेल, इसी बॉडी में एक्स सेल और मेल गैमेट का फ्यूजन देखोगे तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, बाहर नहीं हो रहा पानी वानी में, ठीक है, अंदर हो रहा है. और डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट. अब डेवलपमेंट दो टाइप का हो सकता है. डायरेक्ट है मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली अपने अडल्ट फॉर्म की तरह दिखेगा, वैसे ही सीधे सीधे मैच्योर होगा. और इनडायरेक्ट है तो आपको देखने को मिलेगा कि पहले एक लार्वल फॉर्म आएगा जो काफ़ी डिस्टिंक्ट होगा मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली विद द पेरेंट, और फिर धीरे धीरे अपने आप को लेटर ऑन पेरेंट की तरह कन्वर्ट करेगा. बट फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कैसा है? इनडायरेक्ट है मतलब लार्वल फॉर्म आपको दिखेगा. आपको यहाँ पर एक लार्वा स्टेज दिखेगी, ये लार्वल स्टेज अपने अडल्ट फॉर्म से काफ़ी ज़्यादा अलग होगी. बाहर से ही आप इसको देखोगे तो ये काफ़ी मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होगी, बहुत डिफरेंट दिखेगी. बात करते हैं कि पोरिफेरेंस के अंदर कौन आते हैं, तो पोरिफेरेंस के अंदर बेटा आता है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल साइकॉन, जिसे हम स्काइफा भी कहते हैं, ठीक है. इसके अंदर आता है स्पॉन्जिला, जिसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और इसके अंदर एक बाथ स्पॉन्ज नाम का ऑर्गेनिज्म भी आता है जिसे हम कहते हैं यू स्पॉन्जिया. तो ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हो ये सब इनके कॉमन नेम्स हैं, और जो बाहर आप देख रहे हो वो सब इनके जूलॉजिकल नेम्स हैं, ठीक है, ICZN ने दिए हुए हैं. तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये हमें इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के कारण मिले हुए नेम है. तो साइकॉन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया क्या होते हैं? तीनों के तीनों होते हैं हमारे पोरिफेरेंस. कैसे दिखते हैं मैम? चलो तो ये भी देख लेते हैं बच्चों, कुछ इस तरीके के आपको दिखाई देंगे, ठीक है. ये है आपका साइकन, ये है आपका स्पॉन्जिला और ये है आपका यूप्लेक्टिला. तो इस तरीके के आपको दिखते हैं. तो अब देखो अप्रिशिएट कर पा रहे हो कितने सारे माइन्यूट पोर्स हैं. तो इन छोटे छोटे पोर्स के थ्रू वाटर अंदर जाने वाला है. ये जो अंदर है ये सेंट्रल कैविटी है, ऊपर की तरफ ये ऑस्किलम प्रेजेंट है बच्चा. अंदर जो स्पॉन्जोसील नाम की कैविटी है उसको लाइन कर रहे हैं कॉलर सेल्स यानी क्वायनोसाइट्स. यही मेल है यही फीमेल है, ठीक है, सब कुछ इसी के अंदर है, मेल गैमेट भी फीमेल गैमेट भी. सारा फर्टिलाइजेशन अंदर ही करेगा, पानी में बाहर बाहर यहाँ वहाँ
नहीं कराएगा, लार्वा बनेगा और फिर लार्वा डेवलप होकर मैच्योर ऑर्गेनिज्म बनेगा। सो दिस वॉज एवरी थिंग अबाउट पोरीफेरा। ठीक है, तो पोरीफेरा में क्या क्या याद रखेंगे, क्वाइनोसाइट्स यानी कॉलर सेल्स ये याद रखेंगे, स्पॉन्जोसील को वो लाइन करते हैं, कैनाल सिस्टम को लाइन करते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम इनमें मिलता है, किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फूड गैदरिंग के लिए, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए और वेस्ट मटीरियल रिमूवल के लिए, तीनों चीज़ें वही कर रहा है। प्लस आप ध्यान रखोगे कि हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स हैं, डेवलपमेंट इनडायरेक्टली होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ओके, यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम में आपको स्पॉन्जन फाइबर यानी स्पिक्यूल्स मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चा हमने बहुत ध्यान से मेमोराइज करनी है। ठीक है, बहुत ध्यान से मेमोराइज करनी है, ये इनकी खासियतें हैं। और ये कैसे थे, सबसे सिंपल टाइप के एनिमल्स थे, इनकी बॉडी में सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। इसके बाद थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, और जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी हम आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन है हमारे लिए, नेक्स्ट है हमारे लिए बेटा सीलेंट्रेटा। सेकेंड फाइलम है हमारे पास सीलेंट्रेटा, और सीलेंट्रेटा को हम क्या कहते हैं, सीलेंट्रेटा को बच्चनपन कहते हैं निडेरिया, निडेरिया। तो सीलेंट्रेटा को पहले निडेरिया बुलाया जाता था। तो सीलेंट्रेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि बॉडी में कैविटी दिखती है, और निडेरिया इसलिए कहते थे क्योंकि इनके पास कुछ स्पेशल सेल्स होते थे जिन्हें हम कहते हैं नीडोब्लास्ट। तो इनके पास कुछ नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता था निडेरिया। चलो अब इनको एक एक करके देखते हैं कैसे होते हैं ये। अगेन एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहेंगे, उसमें भी मोस्टली मराइन वाटर में रहेंगे। तो एक्वेटिक है, और फ्रेश वाटर में जनरली नहीं मिलते, ज़्यादातर मिलते हैं मराइन वाटर में। अगर मैं इनकी बात करूँगी तो या तो ये सिजाइल होंगे या फिर फ्री लिविंग हो सकते हैं। सिजाइल मतलब स्टेशनरी, अदरवाइज फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, यहाँ वहाँ मूव कर पाएंगे। आप इनको देखोगे सिमेट्री की बात से तो रेडियली सिमेट्रिकल हैं ये, हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। नेम इनका निडेरिया कहाँ से पड़ा, पड़ा नीडोब्लास्ट से। तो नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स, कुछ स्पेशल सेल्स इनकी बॉडी में देखने को मिलते थे, इसलिए मैंने नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स कहते थे। कैसे होते हैं ये सेल्स, ये सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, टेंटिकल्स पे। तो बाहर जो इनकी बॉडी होगी उस पर बाहर टेंटिकल्स जो हैं उस पर प्रेजेंट होंगे इनके नीडोब्लास्ट सेल्स। तो आउटर एपिडर्म में इसमें से टेंटिकल्स निकल रहे हैं, वहीं पर ये नीडोब्लास्ट सेल्स यानी स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इन्हीं सेल्स के अंदर कुछ स्टिंगिंग कैप्स्यूल या नेमाटोसिस्ट प्रेजेंट रहते हैं। तो नीडोब्लास्ट कुछ स्पेशल सेल्स हैं जिनको ये यूज़ कर रहे हैं फॉर एंकरेज, ठीक है, फॉर देयर डिफेंस एंड फॉर कैप्चरिंग द प्रे। तो इन सब चीज़ों में ये नीडोब्लास्ट इनके काम आते हैं, ये नीडोब्लास्ट इनके काम आते हैं। और नीडोब्लास्ट के अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट है, उनके अंदर प्रेजेंट है नेमाटोसाइट्स यानी स्टिंगिंग सेल्स। तो ये इनको एंकरेज, किसी चीज़ को चिपकाने में, होल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, डिफेंस में हेल्प कर रहे हैं, प्लस किसी चीज़ को कैप्चर करने में भी इनकी मदद कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि ओवरऑल निडेरिया इसलिए नाम मिला था क्योंकि नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर नेमाटोसिस्ट यानी स्टिंगिंग कैप्स्यूल, स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। इनकी बेटा आप बात करोगे तो इनमें आपको मिलेगा बच्चों टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो आपके सेल्स हैं उनने अब अपने आप को टिश्यूज़ में कन्वर्ट कर लिया है, और इस तरीके से कन्वर्ट किया है कि जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन रहती है तो हमें दो जर्म लेयर्स मिलती हैं, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म। और ये आउटर और इनर, इनर और ये आउटर और इनर के बीच के क्या मिलता है, इनके बीच में आपको मिलते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। तो बेटा ध्यान रखना, बाहर आपका एक्टोडर्म था, अंदर आपका एंडोडर्म था, और इनके बीच में आपको अनडिफ्रेंशिएटेड सेल की लेयर मिलने वाली है मीजोग्लिया, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स की लेयर मिलने वाली है मीजोग्लिया। तो यहाँ आपको मीजोग्लिया मिलेगा, ठीक है, एक्टो और एंडो के बीच में यहाँ आपको मीजोग्लिया मिलेगा, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये। इनके पास आप देखोगे तो एक सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है जिसकी एक सिंगल ओपनिंग होती है, और इस सिंगल ओपनिंग को हम कहते हैं माउथ या फिर हाइपोस्टोम, माउथ या फिर हाइपोस्टोम। तो क्या कह रहे हैं हम कि इनके पास सेंटर में एक कैविटी प्रेजेंट है, सीलेंट्रॉन, इसीलिए इनको सीलेंट्रॉन बुलाया गया है। कैविटी क्या है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है। तो ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट है, एक सिंगल ओपनिंग इसकी रहती है जिसे आप माउथ या हाइपोस्टोम बुलाने वाले हो। अब अगर आप इनमें बात करोगे बेटा डाइजेशन की, तो एक्स्ट्रा सेलुलरली भी हो सकता है, इंट्रा सेलुलरली भी हो सकता है। तो डाइजेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, एक्स्ट्रा या इंट्रा सेलुलर। अब इसमें हम बात करेंगे तो निडेरियंस जो होते हैं, इनमें से कुछ निडेरियंस के पास आपको दिखेगा कि इनका जो स्केलेटल सिस्टम है वो बाहर की तरफ है, और वो बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इनके अंदर आपको कोरल्स मिलेंगे, कोरल रीफ्स जो हैं वहाँ पे जो कोरल्स हैं वो कोरल्स एनिमल्स हैं, और वो आपको कहाँ मिलते हैं, सीलेंट्रेटा में। इनके पास क्या होता है, बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है। फिर अगर हम बात करेंगे बच्चों आगे, तो हम देखेंगे कि सीलेंट्रॉन्स की जो बॉडी होती है ना, इसमें यूजुअली दो फॉर्म्स देखने को मिलते हैं,
पॉलिप हो सकता है या फिर मेड्यूसा हो सकता है। पॉलिप की अगर मैं बात करूंगी तो पॉलिप आपको देखने को मिलेगा कि वो सिजाइल होता है, मतलब लोकोमोट नहीं करता, फ्री लिविंग नहीं है, सिजाइल होता है। प्लस वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जैसे हाइड्रा आपने देखा होगा, तो जैसे आपको हाइड्रा दिखता है कुछ इस तरीके का, वैसा होता है बेटा आपका पॉलिप वाला फेज। तो हाइड्रा हो गया, एडैम्सिया हो गया, ये सब पॉलिप वाले स्टेज में आपको दिखाई देते हैं। वहीं जो दूसरा होता है वो जैसे जेलीफिश होती है वैसा होता है, जैसे अम्ब्रेला शेप का। तो अगर आपको इस तरह से अम्ब्रेला लाइक दिखेगा तो ये अम्ब्रेला शेप का भी होगा प्लस फ्री स्विमिंग होगा, फ्री स्विमिंग होगा। तो ऐसा आपको उरीलिया या फिर जेलीफिश में देखने को मिलेगा, उरीलिया और जेलीफिश में देखने को मिलेगा। अब कुछ नेडेरियंस बेटा ऐसे भी होते हैं जो दोनों जनरेशन आपको दिखाते हैं, मतलब थोड़ा टाइम पॉलिप जैसे हैं, थोड़ा टाइम मेड्यूसा जैसे हैं। अगर वो आपको दोनों में स्विच होते दिखाई देंगे तो आप ऐसे कहोगे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, कि दोनों जनरेशन ऑल्टरनेटिवली आपको दिखाई दे रही हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। क्या बुलाते हैं? मेटाजेनेसिस। तो अगर आप ऐसे देखें कि पॉलिप से मेड्यूसा में कन्वर्ट हो गए, फिर मेड्यूसा से पॉलिप में कन्वर्ट होते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस। तो पॉलिप्स अपने आप को मेड्यूसा में कन्वर्ट करते हैं एसेक्सुअली, और वहीं पर मेड्यूसा अपने आप को पॉलिप में कन्वर्ट करते हैं सेक्सुअली। मेड्यूसा अपने आप को पॉलिप में कन्वर्ट करते हैं सेक्सुअली। तो आप देखोगे पॉलिप टू मेड्यूसा कैसे हो रहा है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिप टू मेड्यूसा कैसे हो रहा है? पॉलिप टू मेड्यूसा हो रहा है बेटा एसेक्सुअली। तो एसेक्सुअली वो अपने आप को मेड्यूसा में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि मेड्यूसा से पॉलिप बनना हो तो ये चीज़ केवल सेक्सुअली होगी, ये चीज़ केवली सेक्सुअली होगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी चीज़ को हम क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस या फिर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो तुरंत आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी और ये चीज़ हमें क्लियर हो जाएगी। तो चलो देखते हैं। देखो इस तरीके से हम कुछ देख पाएंगे। अब यहाँ हमें क्या दिख रहा है? यहाँ हमें दिख रही है एक स्टेज जो सिलेंड्रिकल है, ठीक है, अटैच है सबस्ट्रैटम से। तो ये वाली कंडीशन है पॉलिप वाली कंडीशन। पॉलिप वाली कंडीशन से किस तरीके से बनने वाली है मेड्यूसा? पॉलिप वाली कंडीशन से एसेक्सुअली बनने वाला है आपका मेड्यूसा। तो यहाँ पर आप देखोगे एसेक्सुअली मेड्यूसा बनते हुए, तो ये मेड्यूसा के बढ़ जाए इस तरीके से एसेक्सुअली मेड्यूसा बन जाएगा। मेड्यूसा बन के ऐसे ग्रो होगा, तो ये मेड्यूसा वाली स्टेज है। अब मेड्यूसा वाली स्टेज में मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, जिनके फ्यूजन से वापस आपकी पॉलिप वाली स्टेज आ जाएगी, वापस से आपकी पॉलिप वाली स्टेज आ जाएगी। बट अगेन डायरेक्टली नहीं आएगी, डायरेक्टली नहीं आएगी, क्योंकि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। तो पहले क्या होगा? पहले एक लार्वा आएगा, ये लार्वा आपका फ्री स्विमिंग लार्वा होगा, प्लैन्युला इसका नाम होता है। तो इस तरीके का एक लार्वल स्टेज भी आपको बच्चा देखने को मिलने वाली है। तो आई होप यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में ही ऐसा हो रहा है, कुछ सीलेंट्रेट्स में ही ऐसा हो रहा है कि पॉलिप और मेड्यूसा दोनों आपको देखने को मिल रहे हैं। जब दोनों देखने को मिलेंगे तो हम कहेंगे मेटाजेनेसिस शो करते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं। पॉलिप से मेड्यूसा बनाते हैं एसेक्सुअली, और फिर मेड्यूसा बनने के बाद उसमें मेल फीमेल गैमेट बनता है, और सेक्सुअल डेवलपमेंट से फिर पॉलिप बनने की तैयारी होती है। डायरेक्ट पॉलिप नहीं बनेगा, बीच में एक लार्वल स्टेज आएगी, इसलिए मैं कह रही हूँ डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का है। कौन है वो जिसमें देखने को मिलेगा? तो वो है बेटा हमारा ओबिलिया, वो है बेटा हमारा ओबिलिया। तो ओबिलिया में हम दोनों फेजेस देख पाएंगे, इसमें हम पॉलिप भी और मेड्यूसा भी दोनों अप्रिशिएट कर पाएंगे। इसके अलावा नेडेरिया में कौन रहते हैं? इसके अलावा नेडेरिया में रहता है फाइजिलिया। फाइजिलिया को हम कहते हैं पोर्तुगीज मैनिफोल्ड, पोर्तुगीज मैनिफोल्ड। इसके अलावा हमको यहाँ पे देखने को मिलता है बेटा एडम्सिया। एडम्सिया को हम कहते हैं बच्चा सी एनिमोन, सी एनिमोन बहुत इंपॉर्टेंट है। सी एनिमोन, फिर सी पैन, सी फैन, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही ना आपको जब इकाइनोडर्म्स पढ़ोगे तो वहाँ पर भी कुछ सी सी मिलेंगे, सी कुकुम्बर, इस तरीके के एनिमल्स वहाँ पर भी मिलेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कौन सा सी वाला काय में मिलता है। तो यहाँ कौन मिलने वाला है? सी एनिमोन, सी पैन और सी फैन। तो सी पेन, सी फैन और सी एनिमोन किसके मेम्बर्स हैं? सीलेंट्रेटा के मेम्बर्स हैं। क्या बुलाते हैं हम सी फैन को? गॉर्गोनिया। सी फैन को क्या बुलाते हैं? गॉर्गोनिया। और पेंट्यूला को क्या बुलाते हैं? सी पेन। क्या बुलाते हैं? पेनेट्यूला को सी पेन, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ब्रेन कोरल भी मिलेगा जिसको हम मियांड्रिना बुलाते हैं। तो मियांड्रिना इज ब्रेन कोरल। तो ये सारे के सारे हमारे सीलेंट्रेट्स के एग्जाम्पल हैं। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द एग्जाम्पल्स रियली नाइसली, ठीक है। तो सीलेंट्रेट्स या नेडेरियंस हमें दो तरीके के फॉर्म्स दिखा सकते हैं, पॉलिप या मेड्यूसा। जो पॉलिप वाले फॉर्म में रहेंगे वो रहेंगे सिजाइल,
उनमें आप देखोगे बॉडी सिलेंड्रिकल होगी। एग्जाम्पल थे हाइड्रा और एडामसिया, हाइड्रा और एडामसिया। फिर यहाँ पर क्या देखेंगे हम, जबकि जो अम्ब्रेला शेप के होंगे फ्री लिविंग रहेंगे वो, और यहाँ का एग्जाम्पल है जेलीफिश, जेलीफिश, ठीक है, जेलीफिश का दूसरा नाम ऑरिलिया। फिर हमने देखा ओबिलिया जैसे भी हैं, दोनों जनरेशन शो कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस दिखाते हैं। और बाकी एग्जाम्पल्स हमने देखा बेटा फाइजिलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, फिर हमने देखा गॉर्गोनिया सी फैन, फिर हमने देखा पेनाटुला सी पेन, और फिर हमने देखा मियांड्रिना जो कि क्या है, ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल। तो यहाँ से सारी चीज़ें याद रखना कि क्या इनकी खूबियां हैं, क्या इनकी खूबियां, ये याद रखना डिप्लोब्लास्टिक है, बॉडी कैविटी यानी सीलेंट्रॉन प्रेजेंट है। इनकी खासियत होती है नीडोब्लास्ट सेल्स, जिनके अंदर स्टिंगिंग सेल्स मिलेंगे आपको नेमाटोसिस्ट नाम के, नेमाटोसिस्ट नाम के। डाइजेशन एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर दोनों हो सकता है। जब भी आप इनकी बात करोगे टिश्यू लेवल मिलेगा आपको। नीडोब्लास्ट का काम एंकरेज है, डिफेंस है, प्लस कैप्चरिंग ऑफ इट्स प्रे है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखने की हैं। तो ये देखो ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स, हाइड्रा और सी एनिमोन। चलो अब देखते हैं हमारा थर्ड इन द कैटेगरी, थर्ड फाइलम, जो कि है हमारा टीनोफोरा। मैंने आपसे क्या कहा था, दोनों में थोड़ा स्लाइट अंतर है, इसलिए इनको अलग रखा है। तो इनकी क्या खूबी है, ये आपको ध्यान रखनी है। इनकी खूबी है बेटा सबसे पहली तो ये कि इनको प्यार से बुलाया जाता है सी वॉलनट। क्या बुलाते हैं इन्हें हम प्यार से, सी वॉलनट, या फिर इन्हें हम कॉम्ब जेलीज भी बुलाते हैं। और इनकी खासियत है कि ये एक्सक्लूसिवली मराइन है। एक्सक्लूसिवली मराइन मतलब किसी भी कंडीशन में आपको ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलने वाले, सिर्फ और सिर्फ मराइन वाटर में मिलते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। इनकी खासियत होती है कि ये रेडियली सिमेट्रिकल हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और ध्यान रखो तो ये तीनों ही चीज़ें किस में थी, तीनों ही चीज़ें सीलेंट्रेट्स में भी थी। तो सीलेंट्रेट्स के साथ नीचे वाली लाइन कॉमन है, अलग क्या है, अलग है कि ये एक्सक्लूसिवली मराइन है, अलग ये है कि इनको कॉम जेलीज और सी वॉलनट्स भी बुलाते हैं। इनके पास आप देखोगे तो 8 एक्सटर्नल रोज हैं सीलिएटेड कॉम प्लेट्स की, और ये सीलिएटेड कॉम प्लेट्स इनकी बेटा घूमने फिरने में मदद करती हैं, मतलब लोकोमोट करने में हेल्प करती हैं। तो कितनी है, 8, कहाँ हैं, बाहर, क्या हैं, रोज हैं, किस चीज़ की, सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स की, सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स की। तो 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, ठीक है, 8 एक्सटर्नल रोज। तो आप देखोगे 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स किस में हेल्प कर रही हैं, लोकोमोट करने में, मूव करने में यहाँ वहाँ। तो ये इनकी खूबी है, ये इनकी खूबी है। डाइजेशन अगेन एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर दोनों तरीके से हो सकता है। इनकी जो खासियत है बच्चा वो है बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस मतलब ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो लाइट एमिट करते हैं। तो जो भी लाइट प्रोड्यूसिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए हम कहते हैं कि उनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है, और टीनोफोर्स में प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से होती है, बहुत अच्छे से। तो आप कभी भी टीनोप्लेनिया को या प्लूरोब्रेकिया को देखोगे तो आपको ये चमकते हुए दिखेंगे, सीज में चमकते हुए दिखेंगे। तो ये सी और ओशन में मिलते हैं, चमकते हैं वहाँ पर, क्योंकि इनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस है, बायोल्यूमिनेसेंस है। इनको भी देखोगे बच्चा तो सेक्सेस यहाँ पर भी सेपरेट नहीं है, मेल फीमेल अलग से नहीं दिखेगा, मतलब यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, हर्माफ्रोडाइट कंडीशन। यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होगा वो केवल केवल सेक्सुअली होगा। अब देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो ही नहीं करते, तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट है। दे आर रिप्रोड्यूसिंग ओनली बाय द मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिर्फ मेल एंड फीमेल गैमेट कैन फ्यूज एंड क्रिएट जाइगोट। इसी तरीके से रिप्रोडक्शन होता है एज इन ह्यूमन बींग्स, वैसा ही सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको इनमें भी देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन, ये फिर से एक पॉइंट है जो अलग है। फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल, तो फर्टिलाइजेशन बाहर होगा पानी में, फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी क्या एक ही बॉडी है, बॉडी के अंदर नहीं होगा, तो दोनों गैमेट्स बाहर रिलीज किए जाएंगे और बाहर उनका फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन हमेशा एक्सटर्नली होगा, और डेवलपमेंट बेटा फिर लार्वा की हेल्प से होगा, इसीलिए हम कहेंगे डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लेना मैम। इतना सिंपल था बच्चा हमारा टीनोफोरा, इतना सिंपल था बेटा हमारा क्या, टीनोफोरा। तो आपने देखा टीनोफोरा बहुत ही प्यारी सिंपल सी फाइलम है जो बिलोंग करती है एनिमल किंगडम को, फाइलम नंबर 3। तो हमने अभी तक 1, 2, 3 फाइलम्स डिस्कस कर लिए हैं। ये हैं आपके दोनों ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आर टुडेज स्टडींग पोर्शन। तो आज हमें 3 फाइलम डिस्कस करने थे, पोरेफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोप्लेना। हमने तीनों डिस्कस कर लिए हैं।
अच्छे से इसको अच्छे से गो थ्रू करो, अच्छे से एक बार रीड करो, चैनल भले ही लेक्चर को यहाँ पॉज कर लो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और उसके बाद जैसे ही एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो तुरंत मेरे पास वापस आ जाओ लेक्चर को रिज्यूम करके, क्योंकि अब हम देखेंगे क्वेश्चंस, अब हम देखेंगे क्वेश्चंस। पहला ही क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं उसमें क्या पूछा है, उसमें पूछा है बेटा कॉलर सेल्स आर फाउंड इन, कॉलर सेल्स आर फाउंड इन। तो मैं होप कर रही हूँ कि उन्होंने लेक्चर भी देख लिया है, बुक रीड भी कर ली है, तो मुझे आंसर बता दो कि कॉलर सेल्स कहाँ मिलते हैं। कॉलर सेल्स मैम मिलते हैं हमें पॉरीफेरा में। पॉरीफेरा में पता है मैम क्यों मिलते हैं पॉरीफेरा में? क्योंकि क्वानोसाइट्स को ही तो कॉलर सेल्स कहते हैं, क्वानोसाइट्स को तो ही कॉलर सेल्स कहते हैं। स्पॉन्जोसील को लाइन कौन कर रहा था? यही तो कर रहे थे, इसीलिए यहाँ मिलते हैं मैम। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल रिप्रोडक्ट प्रोड्यूसेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। देखो पूछ लिया, कौन है जो सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? तो ये है बेटा टीनोफोरा। टीनोफोरा रिप्रोडक्शन इज ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लैक एलिमेंट्री कैनाल। लैक एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल किसमें नहीं मिलेगा, किसमें नहीं मिलेगा, जिसमें ऑर्गन्स की बात ही नहीं करी हमने, तो वो है बेटा हमारा जेलीफिश इनमें से, ठीक है, मतलब हमारे सीलेंट्रेट्स में नहीं मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेट किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सो एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स हेल्पिंग इन लोकोमोशन, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है टीनोफोरा का, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है टीनोफोरा का। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज, क्या इनमें से एंडोडर्म ऑफ हाइड्रा में एब्सेंट होता है? एंडोडर्म ऑफ हाइड्रा में एब्सेंट होता है, तो भले ही तुम्हें ऐसा लिख के नहीं बताया हमने, भले ही लिख के नहीं बताया, पर क्या कहा था, नीडोब्लास्ट कहाँ होते हैं? टेंटिकल्स पे प्रेजेंट, बाहर, बाहर प्रेजेंट। बाहर कौन सी लेयर होती है? एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म से एपिडर्मिस बनेगा और उसकी हेल्प से बनेंगे बेटा नीडोब्लास्ट। तो यहाँ से ये चीज़ याद रख लो कि नीडोब्लास्ट होते हैं जो आपको एंडोडर्म में नहीं मिलते, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स एंडोडर्मली डिराइव्ड हैं, एंडोडर्मली डिराइव्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल सिस्टम फॉर स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर नॉट सीन इन, किसके अंदर आपको इनमें से कोई फंक्शनल सिस्टम्स नहीं दिखेंगे, ऑर्गन सिस्टम्स नहीं दिखेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इन द चैट बॉक्स। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलेंट रेट इज और आर रॉन्ग। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सीलेंट रेट के हिसाब से करेक्ट है या फिर गलत है? बुक खोल के बेटा अच्छे से पढ़ेंगे। पहली चीज लिखी है नीडोसाइट्स आर प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स एंड ऑन बॉडी, ठीक है, आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड ऑन द बॉडी। सेकेंड लिखा है डिप्लोब्लास्टिक विथ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक विथ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा लिखा है पॉलिप फॉर्म्स आर फ्री लिविंग, पॉलिप्स फॉर्म आर फ्री लिविंग, ठीक है, दूसरा लिखा है कि पॉलिप फ्री लिविंग होते हैं। तीसरा लिखा है मेटाजेनेसिस एग्जिबिट करते हैं। फिर लिखा है पॉलिप मेड्यूसा को प्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली और मेड्यूसा पॉलिप को एसेक्सुअली। तो चलो सोच के समझ के मुझे अच्छे से बताओ क्या गलत है, क्या गलत है, पूछा है इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है। तो अगर मैं ऐसा सोचने जा रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि फिफ्थ ऑप्शन तो गलत है ही, थर्ड ऑप्शन भी गलत है ही और सेकेंड ऑप्शन भी गलत है ही, ठीक है। तो सेकेंड थर्ड और फिफ्थ तो गलत ऑप्शंस हैं, सेकेंड थर्ड और फिफ्थ तो गलत ऑप्शंस हैं। तो आओ एक बार फटाफट सीलेंट रेटा से चेक करते हैं, भाई गलती क्यों करना। तो यहाँ से चेक करें तो नीडोब्लास्ट आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड ऑन द बॉडी, ये बात सही है। दूसरी चीज़ क्या बोली उनने, दूसरी चीज़ ये बोली कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वहाँ लिख दिया सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये चीज़ भी उन्हें गलत बोल दी। नेक्स्ट चीज़ उनने क्या बोली कि सिजाइल है, तो इनने बोल दिया फ्री लिविंग है, तो ये चीज़ भी गलत बोली। पॉलिप सेक्सुअली मेड्यूसा बनाएगा, ये चीज़ भी उनने गलत बोली। तो बेसिकली सेकेंड थर्ड और फिफ्थ गलत ऑप्शन है, विच कम्स अस टू आंसर डी, ठीक है, तो आंसर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मेटाजेनेसिस रिफर्स टू, मेटाजेनेसिस क्या होता है? मेटाजेनेसिस होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, मेटाजेनेसिस ऑफ निडेरिया लाइक ओबिलिया द पॉलिप्स एंड मेड्यूसा आर रिस्पेक्टिवली, कैसे हैं, कैसे हैं, खुद सोचो। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बना था पॉलिप, ठीक है, मतलब डिप्लॉयड था। इसी से एसेक्सुअली बन रहा है मेड्यूसा, मतलब डिप्लॉयड है, तो
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया, और दोनों ही डिप्लॉयड हैं, दोनों ही डिप्लॉयड हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आएगा बच्चा। तो हमें पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कर रहे हैं केवल, मतलब ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड बन रहा है, ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड बन रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन केस ऑफ पोरिफेरेंस द फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड स्पॉन्जोसील इज लाइंड विथ, कौन लाइन करता है इनको, कौन लाइन करता है, फटाक से बता दो यार, इतना तो बता दो। इनको लाइन करते हैं मैम क्वाइनोसाइट्स यानी कॉलर सेल्स, तो कॉलर सेल्स लाइन करते हैं स्पॉन्जोसील को। चलो ये देखो कितना फुद्दू क्वेश्चन पूछा है, पूछा है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर क्या है, सोल्जर है वर्ल्ड वॉर वन का, पोर्तुगीज सोल्जर है क्या, एक स्पॉन्ज है या फिर एक पॉलीमॉर्फिक कोलोनियल सीलेंट्रेट है। पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर फाइजीलिया क्या था, एक कोलोनियल सीलेंट्रेट था जो पॉलीमॉर्फिक होता है, पॉलीमॉर्फिक होता है, ठीक है। तो हमने इसके बारे में नई चीज़ सीखी कि पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, कोलोनियल है मतलब कॉलोनीज में रहता है, अलग अलग शेप का दिखता है, प्लस ये एक सीलेंट्रेट है जो हमें पहले से पता था। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एजर्शन रीजन। एजर्शन बोल रहा है बेटा कि स्पॉन्जेस बिलोंग करते हैं पोरिफेरा को, ठीक है, तो ये चीज़ तो ट्रू है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि स्पॉन्जेस के पास कैनाल सिस्टम होता है, ये चीज़ भी ट्रू है, पर मुझे ये बताओ कि स्पॉन्जेस पोरिफेरा को इसीलिए बिलोंग करते हैं क्या, क्योंकि उनमें कैनाल सिस्टम होता है, क्या आपको लग रहा है उसका करेक्ट रीज़न है, या फिर वो इसको इसीलिए बिलोंग करते हैं क्योंकि उनकी पोर लाइक बॉडी होती है, उनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, ऑस्टिया होते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन का स्टेटमेंट तो करेक्ट है पर इसका रीज़न नहीं है, दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली ट्रू हैं बट दे आर नॉट द एग्जैक्ट रीज़न, इसीलिए आंसर हो जाएगा बी दैट द एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट द रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। एंड विद दिस माय डियर चिल्ड्रन वी हैव कम टू अ रैप टू द थ्री फाइलम्स, हमने पोरिफेरा सीलेंट्रेटा और निडेरिया तीनों फाइलम्स को गो थ्रू कर लिया है, इनके क्वेश्चंस भी देख लिए। नेक्स्ट अप व्हाट आई विल बी ब्रिंगिंग इज प्लैटीहेलमिंथस एस्किहेलमिंथस एंड एनेलिडा फॉर यू, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन फाइलम्स पर डिस्कशन करेंगे और उनके क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे, तो तब तक पढ़ते रहना, बने रहना एकदम ईमानदारी के साथ, उसी लगन के साथ, उसी जील और एंथुजियाज्म के साथ जिसके एंथुजियाज्म से हमने ये सपना देखा है, और इस सपने को हम करेंगे साकार, साथ मिलकर तैयारी कर रहे हैं हम नीट की, तैयारी कर रहे हैं बेटा हम आपकी जीत की, तो चलो लगे रहो, बिल्कुल कर डालोगे, ठीक है। एकदम होप कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि मेरे सारे बच्चे नीट निकाल सकते हैं और आप लोग बिल्कुल निकालेंगे, बस ईमानदारी से पढ़ते रहिएगा, सारे डाउट्स पूछो, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे पूछें, लोग क्या सोचेंगे, तो हम ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया ग्रुप बना चुके हैं अपना और सबके डाउट्स हम तक पहुँच रहे हैं, हम उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं और ये चीज़ हमें बहुत इमेंस हैप्पीनेस दे रही है बच्चों, तो हम बहुत खुश हैं इस बात से कि आप हमारे साथ कंसिस्टेंटली बने हुए हैं और इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो करते रहिएगा और हम पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि क्या एक डिटर्मिंड सिंपल वे ऑफ पढ़ाई से कितनी आसानी से नीट क्रैक किया जा सकता है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।